अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो बना रही हूँ आप लोग को सिखाने में, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रही थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम खुद लोगों को मोटिवेट करते हैं तो हम कैसे डीमोटिवेट हो सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो नीयत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख सकें। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा चले, अब हम कर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सीख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो कैसे मालूम करते हैं हम किसी भी पॉलीनोमियल इक्वेशन में। अच्छा होता ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है और उसको इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान है कि अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना है सुपोज। दुनिया सुपोजिशन पे तो चल रही है ना, नहीं, रियलिटी पे भी चल रही है। लेट किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, लिखना है एक्स माइनस वन ऐसे और इज इक्वल टू जीरो। भाई ये फैक्टर है ना, तो आप इसको जीरो के बराबर ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, माइनस का वन जो है नेगेटिव वन, वहां जाके पॉजिटिव वन मतलब इज इक्वल टू के साइड मूव करेगा और पॉजिटिव वन हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो आपने कर लिया, ब्रैकेट नहीं लगाना था, मैंने ऐसे ही लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चूज करेंगे और से बोलेंगे भाई लेट दिस इक्वेशन पी ले लिया आपने, फॉर पॉलिनोमियल है ना, तो इसलिए आप पॉलिनोमियल को इस तरह लिख सकते हैं। तो बस आप लिखिए इक्वेशन जो कि है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। ठीक है, अब आपने क्या करना, जो ये आपने बोला है ना कि एक्स इक्वल टू वन, चले मैंने बोला है आप बोले मैं बोलूँ एक ही बात है, तो आपने क्या करना, जहां जहां एक्स वहां लिखना है वन, वन क्यूब माइनस सिक्स वन स्क्वायर 11 वन माइनस 8। ठीक है, वन इसको लिखे रहे, वन का क्यूब वन ही होता है, वन को जितने टाइम भी मल्टीपल करें वन आएगा। वन वन जार वन, सिक्स वन जार सिक्स, 11 वन जार 11 एंड माइनस का 8। अब आपने क्या करना है पता है, इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पहले ऐड वालों को ऐड कर, जैसे वन और वन ऐड, प्लस 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 तो ये हो गया 12, माइनस माइनस भी आपको पता है सम ही होता है, तो ये 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सही है, फिर आपने क्या करना है, लास्ट प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 14 गए या 14 में से 12 गए, 2 आएगा, और इनमें से बिगर वैल्यू कौन सी है, 14 है, तो साइन आएगा नेगेटिव का। तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करते तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, इसमें ये वाला रिमाइंडर जो है वो बाकी बचता। इतना बुरा भी नहीं समझाती हूँ, अगर आपको समझ में आया हो पहला क्वेश्चन तो लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर सकते हैं, अप्रिसिएशन तो कर ही सकते हैं। खैर हम और क्वेश्चन करते हैं, चलें जल्दी से करते हैं ये पार्ट भी ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। लेट किया, एक्स प्लस वन किया, फिर बोला भाई इज इक्वल टू जीरो, भाई है तो है, अब प्लस का वन मतलब पॉजिटिव वन उस साइड जाकर हो जाएगा नेगेटिव वन। ओके डन, फिर आप लोग बोलेंगे चलो भाई वो ही काम करते हैं, इसको इक्वेशन को पॉलीनोमियल इक्वेशन को कम्प्लीट लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 8। ओके, फिर आप बोलेंगे भाई जो ये वैल्यू है ना उसको एक्स की जगह लिख देते हैं, चलिए लिख दिया। ओके जल्दी जल्दी, अच्छा माइनस में लिखना है सॉरी, हाँ प्लस सिक्स ब्रैकेट लगा दिया खाम खा, चलो कोई मसला नहीं, अगले में भी लगा देते हैं। माइनस वन स्क्वायर प्लस 11 माइनस प्लस 8। ओके जान, अब क्या करना है, वन का क्यूब जो है ना, अच्छा एक और बात, ये बात क्लियर कर लें, जब वैल्यू माइनस में हो ना इस तरह, अगर बाहर पावर इवन हो, कोई भी इवन पावर हो, तो ये नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाता है, और अगर बाहर पावर ऑड हो तो नेगेटिव का साइन कैंसिल नहीं होता। अभी कौन सी पावर बताएं, ऑड है तो नेगेटिव का साइन कैंसिल होगा, नेगेटिव वन आएगा। सिक्स वन सिक्स, अच्छा पहले स्क्वायर है तो पावर साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, फिर सिक्स वन सिक्स। ओके, 11 वन जा 11 माइनस टू प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक ये काम हम बहुत ज्यादा तरीके से कर रहे हैं। अब वही पॉजिटिव पॉजिटिव 6 और 8 जो है वो 12 होगा पॉजिटिव वाले, और फिर नेगेटिव 12 लिखना था ना, 14 सॉरी 6 और 8 14 ही होगा सॉरी। हो माइनस माइनस प्लस 11 एंड 1 माइनस 12, और फिर यहाँ पर लिखें आप क्या आएगा, 14 से चूगा 2, बिगर वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर और रिमाइंडर हो जाएगा इस वाली सिचुएशन में। स्टूडेंट सब क्वेश्चन तो सेम है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको पार्ट 3 छोड़कर पार्ट 4 करवाऊँ, पार्ट 3 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। चले भाई क्या है पार्ट 4 में, वही लेट सपोज भाई एक्स प्लस टू ओके इज इक्वल टू जीरो, आप जरा करेंगे जल्दी से, हम फास्ट, प्लस का टू इज इक्वल टू किस साइड जगह माइनस का टू, ताकि आप लोग को करना हो जाए बहुत ज़रा आसान। एक्स पी माइनस टू
एंड देन माइनस टू क्या, एक्स इतना था ना, चलो भाई एक्स लिखते हैं, एक्स एक्स एक्स, एक्स कहीं से नहीं लग रहा, चलो इग्नोर इट। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर्टीन, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये माइनस टू है, ओके माइनस टू, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस टू, ये क्यूब माइनस थ्री माइनस टू, और ये स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू, एंड ये माइनस का 14, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि क्यूब मतलब ऑड पावर, ऑड पावर मतलब माइनस का साइन तो आएगा। अब टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, ओके ठीक है। यहाँ पे माइनस का पहले से लगा चुकी हूँ। इवन पावर मतलब माइनस का साइन कैंसिल, टू टू ज़ा फोर और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, फोर टू ज़ा एट और ये माइनस का 14 रिमेन सेम। अब यहाँ ऐसा है कि भाई सभी साइन नेगेटिव के हैं, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, मतलब इन सबको आप कर दीजिए कैलकुलेटर में प्लस। तो मैंने कर लिया है और ये आ गया 42। कैसे लगा? अच्छा क्या लगेगा, लेकिन चले समझ तो आ गया होगा। अच्छा नहीं समझ में आया, अच्छा माइनस नहीं आना, सही सही सोचा आप लोगों ने कि माइनस नहीं आना, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं ना। अच्छा अगर ये नहीं पता तो ये तो पता होगा, माइनस माइनस प्लस तो बड़ी वैल्यू के साथ जो है यहाँ माइनस आया, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ माइनस आया, तो देन माइनस माइनस प्लस, ओके तो प्लस नहीं आना, सॉरी माइनस नहीं आना, गुड। मुझे पता है कि आप लोग इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे थे या फिर स्किप करके इस क्वेश्चन तक आ चुके हैं। खैर ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी देख लें। मैंने इसको बनाई है हार्ट बीट, खैर ये हार्ट बीट ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, इग्नोर करें। अच्छा आप देखें, लेट आपने करना है वही काम जो यहाँ पर 2y+1 है, तो कोई नहीं मसला, 2y+1 इज इक्वल टू 0, ऐसे आपने सपोज किया। और फिर क्या करना है कि आपको ये पॉजिटिव का 1, नेगेटिव का 1 इज इक्वल टू के सेट, और ये मल्टीप्लाई में है, तो चलो अच्छा लिख के दिखाते हैं। 2y है, अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब आप इसको करेंगे 2y, या अगर y की वैल्यू, फिर आपने यहाँ तो वही प्रोसेस करना है जो कि करते हैं। मैं इक्वेशन लिख कर रख लेती हूँ, तो स्टूडेंट्स मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने एक्स जगह वाई लिखा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो वाई इस्तेमाल हो रहा है, और हमें वैल्यू भी तो वाई की पुट करनी है ना। वाई की वैल्यू है -1/2, ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर -1/2 इस तरह लिखना है, फिर ये -1 एंड कर्ली ब्रैकेट एंड क्यूब, फिर 6 यहाँ पे भी कर्ली कर दीजिए, कर्ली हुआ नहीं है लेकिन कर दीजिए, 3+4 -1/2 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज -9, ओके डन। नाउ मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव क्या, राइट फास्ट। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये हुआ 2 1 2 -2, नहीं, 2 1 2 क्या, 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, 1 1 1 1 -1 एंड -1, चलो स्टेप करते हैं, -1 यहाँ रिमेनिंग और ये -1 एज इट इज रहा, और ये हो गया क्यू। फिर 6 हुआ, फिर कर्ली ब्रैकेट तो ऐसे ही रहा, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो ये हो गया 2 1 2 प्लस माइनस -2, एग्री। और कर्ली क्यों रहा, अब ये कर्व करते हैं इसको, ओके ओके। अब आगे है -9, ठीक है, और स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना इस पर, नहीं है, ओके। पी -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह माइनस का 2 और ये हो जाएगा क्यू। अब इसको देखते हैं, 3 - 2 क्या होगा, यकीनन 1 होगा, पॉजिटिव का -9, ठीक है। नाउ ये -1/2, -2 2 4, 4 2 8, -8, 6 1 6 एंड -9। अब माइनस माइनस वालों को आप चाहे तो ऐड कर ले, जैसे कि हम लोग करते हैं, हम ज्यादातर हम यही यूज करते हैं ना रूल, तो क्या होता है -11 हो जाता है, और ये रहा पॉजिटिव का 6। अब फाइनली आंसर आने ही वाला है, जल्दी से लिख लीजिए और स्क्रीन शॉट भी चाहिए तो क्लिक कर लें। माइनस प्लस माइनस, ये मैंने 11 क्यों लिखा है, 0 17 है ना, सॉरी 17, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 9 8, यस 17, माइनस प्लस माइनस 17 में से गए 6, तो ये हुआ माइनस का 11। असल में आंसर 11 आना ना, मैं देख चुकी हूँ, बस वही माइंड में चल रहा है। तो कैसा रहा क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, अब आपको जरा क्लियर नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिएगा जरूर। आपको क्या करना है कि भाई 2y-1 है, ये 0, अब आप बोलेंगे क्या डिफरेंट, सेम है, -1 वहां जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का 1 और 2 डिवाइड। अरे ये पॉलिनोमियल तो डिफरेंट है ना,
अब देखें पी वाई है, ओके लिख लिया मैंने इसे, ये 4 है और ये वाई क्यूब है, 4y+3, नॉट एनी डिफरेंस यू कैन फाउंड। अच्छा ओके, अब क्या है ये वाई की वैल्यू क्या है, 1/2, ओके। और फिर ये 4 है, ये 1/2 का क्यूब है, ये 4 है, ये खाली 1/2 है और ये 3 है, मतलब जहां था वाई वहां लिख दिया 1/2, ओके। अब क्या करना है, अब देखें कि भाई 4 एज इट इज आएगा, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा है ना, और 2 2 जा 4, 4 जा 8, 8 आएगा, ओके लिख लिया। अब उसके बाद ये तो कटिंग कर देते हैं, इसकी कर देते हैं, कटिंग ही हो रही है, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो 2 आ गया और ये पॉजिटिव का 3, इसको भी कट कर दें, 4 1 जा है और ये 4 2 जा है, सही ये हो गया। अब बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा सबर, 1/2 -2 एंड पॉजिटिव का 3। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है एलसीएम करना, लेकिन पहले थोड़ा कर लेना सॉल्व। सॉल्व इस तरह करना कि -2 + 3, बाकी का थोड़ा सा मैं यहाँ रफ वर्क करके दिखाती हूँ आपको। देखो हो ये रहा है कि -2 + 3 हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो यहाँ पर होगा 1/2 और ये होगा पॉजिटिव का 1, यहाँ तो एग्री कर रहे ना। फिर आपको क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है, 2 1 जा 2, मैं इसको यूं अलग सेपरेट कर दूँ, ऐसा ना लगे कि आपको साथ है, 2 1 जा 2 और ये 2, तो ऐसे ही है, तो 2 + 1 क्या होगा, 3/2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/2। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा अब मैं क्वेश्चन स्किप करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन 7 में इसलिए स्किप करवाती हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और मुझे पता है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि एक दो क्वेश्चन देख लेने के बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इसलिए भी, और आप स्किप भी कर देते हैं क्योंकि जब आपको समझ में आ जाता है। तो चलिए हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि आप लोग जरूर समझना चाहेंगे क्योंकि वो है थोड़ा सा बल्कि नहीं काफी डिफरेंट। चलिए स्टूडेंट ये है थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन लेकिन है बहुत इजी। इस बार आपके पास x-y है, चलिए आपने वही काम से स्टार्ट किया, लेट x-y। अब आप लोग सोच रहे होंगे बोलेंगे भाई मिस हम या कौन सी वेरिएबल को मूव करें, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एक्स मूव करें, आप चाहे तो वाई मूव करें, लेकिन मुझे अभी तो आसानी हो रही है ना, मुझे पॉजिटिव वैल्यूज को सॉल्व करने में आसानी होती है, जैसे इंसान पॉजिटिव रहता है तो उसको तमाम काम करने में आसानी होती है, बिल्कुल वैसा ही ना। तो मैं क्या करूंगी, माइनस के वाई को वहां ले जाऊंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे एक्स इजिकल टू वाई लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप वाई इजिकल टू एक्स भी ले सकते हैं, आंसर नहीं सेम ही आना है, कोई मसले की बात ही नहीं, सही है भाई। कैसे लेंगे भाई, अगर आप वाई इजिकल टू एक्स लेते, तो मिसाल दे रही हूँ कि वाई इजिकल टू एक्स लेते थे, माइनस का ये माइनस का जाता और माइनस माइनस कैंसिल, खैर हो तो ये भी पॉजिटिव ही रहा है, चलो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस पॉलिनोमियल को लिखना है और लिखना है भाई वो ये पी एक्स, जैसा कि हम करते हैं, ये तो आप लोगों ने मुझसे पहले लिख लिया होगा, लिख लिया, पर अच्छा आप लोग लिख नहीं रहे होंगे इसे समझ रहे हैं, कोई बात नहीं समझिए। अब क्या करना है कि पी एक्स है तो वाई के बराबर है, तो आप वाई लिखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां आप लिखेंगे वाई, ठीक है यही करना है ना, जहां जहां एक्स है वहां लिखेंगे वाई, ये रहा वाई और जो पहले से वाई है वो तो वाई ही रहेंगी, लिख लिया आपने। अब ये वाई तो एज इट इज रहा, ये हो जाएगा वाई पावर 4, ये मल्टीप्लाई होंगे वाई वाई, आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर होती है एड, फिर 2 2 हो जाएगा 4, ओके, और ये तो पहले से ही वाई पावर 4 है, कूल। अब आपको पता है कि अगर पावर और बेस सब सेम हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते, अभी ऐड कर सकते हैं, तो ये कितने वाई 4 हो गए, 1 2 3, बिकॉज कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब आंसर आया 3y/4। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि ऐड करते हुए पावर को ऐड नहीं करते, सिर्फ इसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको समझ तो ये बहुत अच्छे से आ गया होगा, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है, नहीं भी देखी है, जो तो जो भी आपने देखा है यकीनन सोच के देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।